निजी स्कूलों की मनमानी आई सामने। बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, सारी सारी रात सौंदा नहीं ते रोंदा वे। बच्चे ते परिवार ते फीस लई बनाया दबाव, विद्यार्थी गया सदमे च। निजी स्कूलों की मनमानी दी खबरां अक्सर सामने आउंदियां रहिंदियां ने। ताजा मामला अमरगढ़ तो सामने आया, जिथे एक निजी स्कूल वालों बच्चे का नाम स्कूल तो सिर्फ इस करके कट दिता गया क्योंकि उसके परिवारक मैंबरां ने स्कूल की एडवांस फीस नहीं दिती सी। एडवांस फीस का लगातार परिवार से दबाव बनाया जा रहा है, जिस करके बच्चे का नाम कट दिता है, बच्चा डिप्रैशन विच चला गया। यह कहना उसके पिता का। मामला यह है जी, मेरा बेटा थर्ड क्लास में मैं एडमिशन करवाई थी सीता ग्रामर स्कूल च, जो कि इस साल ये फोर्थ च प्रमोट हो चुका सी। ते उस तो बाद जो करोना महामारी करके लॉकडाउन लग गया सी, ते इस नू अप्रैल तो मतलब ऑनलाइन काम शुरू हो गया सी। ते स्कूल वाले ने थोड़े दिन ऑनलाइन काम आया, उस तो बाद ही सानू 3 महीनों की फीस लई प्रेशराइज़ करन लग गए। सानू एक फीस इनवॉइस भी दिता 3 महीनों का। उस तो बाद असी कहा भी चलो हजे लॉकडाउन आ, कारोबार ठप्प ने या जो भी आ। उस तो थोड़े दिनों बाद फिर आया तो इन्हां दे मैसेज आने शुरू हो गए, तो जिसका असी इन्हां दे स्कूल दे जो भी कंप्लेंट की भी असी क्वार्टरली तुसी क्यों मंग रहे हो, जबकि रूलिंग आ भी मंथली लेने ने। तो ये कहें जदों फिर इन्हां दे जो कंप्लेंट की, तो इन्हां दे चेयरमैन साहब का मैनू फोन आया, ते वो कहंदे भी साढ़े अप दे रूल ने, असी क्वार्टरली भी लवेंगे, साढ़ा स्कूल च लिख के लाया, जे थोनू नहीं अच्छा स्कूल लगता नहीं पुगदा तो तुसी अपने बच्चे नू हटा लो, ये साड़ी अप दी मर्जी आ, ये च किसे मोदी का राज नहीं। जो साढ़े कोले उन्हां दी रिकॉर्डिंग पई आ, मेरे कोल सारे पुख्ता प्रूफ पए ने। उन्होंने मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब नू ते उन्हां दे परिवार नू भी बड़ी भद्दी शब्दावली वरती, डीसी साहब लई बहुत भद्दी शब्दावली वरती, ते सब तो वड्डी गल अपने शिक्षा मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला जी नू भी साफ साफ सीधे तौर पर कहा कि ये सब तो वड्डे चोर हन। ते जिस नाल बहुत ही सानू धक्का लग्या भी जो अपने मौजूदा शिक्षा मंत्री नू ये शब्द अल्फाज कह रहे ने, तां ओह बच्चियां दी शिक्षा दा जो केंद्र आ उसके चेयरमैन बनन दे बिल्कुल लायक नहीं है। ते उस तो बाद उन्होंने अपनी रंजिश कढ़दे होए पिछले 6 तरीक तो सारे बच्चों का ऑनलाइन काम दोबारा स्टार्ट हो गया सी, बिच दी छुट्टियां इन्होंने बच्चों को करतियां सी। ते मेरे बेटे का इन्होंने ऐप दे विचों ग्रुप चो रिमूव करता, तो होमवर्क आना बंद करता। जदों मैं 2-3 वारी इन्हों फोन पर पूछया, पहला तो इन्होंने कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दिता। उस तो बाद जो 3री वारी मैं फोन किया तो उन्होंने साफ शब्दों प्रिंसीपल मैडम ने कहता भी थोड़े बच्चे का नाम, चेयरमैन साहब ना साड़ी गल हुई सी भी थोड़े बच्चे का नाम स्कूल के विचों कढ दिता है। तो हुण मैं यही चाहना जी, मेरा बच्चा घर बैठा पढ़ता वा, बहुत ज़्यादा डिप्रैस हो गया, बीमार रहिंदा, अपनी मदर नूं पुछता रहिंदा भी मम्मा की गल होगी, मैनूं स्कूल दे विचों कढ़ता, मैं हुण पढ़ नहीं सकदा, मैं सारी उम्र अनपढ़ रहूँ। बच्चे जो इस दे नाल क्लासमेट सीगे इसका मजाक उड़ाने लग गए भी तैनू स्कूल दे विचों कढ़ता, हुण तू ऐं रहेगा, तैनू स्कूल च कितें एंट्री नहीं मिलनी। बहुत ज़्यादा डिप्रैस हो गया, तो सारी सारी रात सौंदा नहीं ते रोंदा वा। फीस का क्वार्टरली दा सानू 1 तरीक नू मिल गया सी, जबकि करोना वर्गी एड्डी वड्डी महामारी चल रही सी। उस तो बाद इन्हां दे मैसेज भी आने शुरू हो गए, तो सब तो वड्डी गल इह है इन्होंने सब तो लास्ट एंड 15 जुलाई तक का टाइम दिता सी भी फीसां भरवाओ, जबकि मैनू उम्मीद है भी 70 तो 80% किसी बच्चे ने फीस नहीं भरवाई, ये सारे बच्चे उवें कंटिन्यू चल रहे हैं। तो इन्होंने मेरे नाल ही परसनल रंजिश कढ़दे होए मेरे बच्चे नू डिसकंटिन्यू करता, तो ग्रुप चो रिमूव करता। मैं मानयोग कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब ते शिक्षा मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला जी तो यही मंग करदा भी यह स्कूल खिलाफ़ इन्नी कु सख्त तो सख्त कार्रवाई करन भी आने वाले टाइम च किसी बच्चे का भविष्य खराब ना होवे। ते जिन्ने भी प्राइवेट जो स्कूल माफिया वा जो भी लुटते हैं, मैं सारे नहीं कहता, जो भी लुटते हैं या जो अपनी गुंडागर्दी या मनमानी करते हैं, उन्होंने एक सबक मिले ता जो आने वाले भविख दे विच मापियां दे बच्चियां दे मापियां दा लुटना हो सके, ते किसे दा भी अपना फ्यूचर बच्चे दा ना खराब हो सके। मैं यही मंग करदा, ते मैं ऑनेबल अपने एजुकेशन मिनिस्टर ते चीफ मिनिस्टर साहब नूं चिट्ठियां भी भेजियां ने, ते उन्हां नूं मैं अपील करदा इस वीडियो राहीं चैनल राहीं भी वध तों वध सख्त तों सख्त कार्रवाई करन। ते जो मैं गल्लां कहियां ने मेरे कोल सारे प्रूफ ने, मैं प्रूफ करन नूं भी तैयार। उत्थे ही बच्चे दी मां ने दस्सिया कि फीस जमा ना करवाउण तों बाद उन्हां दे बच्चे नूं होमवर्क आना बंद हो गया। जो उन्हें बाकी मापिया का राबता कायम किया तो दसिया कि उन्होंने होमवर्क मिल रहा, जिस करके उन्होंने शक होया तो स्कूल गल करने उन्होंने पता लगे कि उन्होंने बच्चे का नाम कट दिता गया। बेटे नू बिना दसे स्कूल चो जी निकालता, 6 तरीक तो दोबारा तो स्कूल कॉन्टीन्यू होए सी,
ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਕੱਢਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਕੱਢਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਿਪਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੱਟਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ।